स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और अब बात करेंगे प्रॉपर्टी टिप्स की। प्रॉपर्टी आपकी हैसियत के साथ साथ आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है और यही वजह है कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदना चाहता है जिससे फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को इसमें फायदा ही हो। कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ गलतियां कर बैठते हैं और अपना हाथ जला बैठते हैं। देखिए प्रॉपर्टी टिप्स। प्रॉपर्टी खरीदने की चाहत हर किसी को होती है। जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी उतना फ्यूचर ब्राइट और फायदा, क्यों आप यही सोचते हैं ना? सही भी है, लेकिन बायर समझ जाइए, कहीं ये चाहत और लापरवाही आपको मुसीबत में ना डाल दे। बायर्स प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कई बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और कर बैठते हैं कई गलतियां। जरा गौर से समझिएगा क्योंकि सवाल जिंदगी की गाड़ी कमाई का जो है। सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी खरीदने का क्या है मकसद? क्या आप मकान अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं या महज इन्वेस्टमेंट के लिए? इन दोनों में काफी फर्क है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप किसी भी शहर में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं। पैसे कमाने के लिए तो आप कमर्शियल स्पेस में भी दिलचस्पी दिखा सकते हैं। सही लोकेशन का चुनाव, ये ऐसा मुद्दा है जिसमें लोग अक्सर मार खा जाते हैं। एक ही जगह बहुत सी प्रॉपर्टी खरीदने से बचें। अगर आप खरीदी गई प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं तो वहां कैसे लोग रहते हैं, वहां क्या सुविधाएं हैं, जैसी बातों का पता लगा लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये देखिए कि उसमें कितने साल में कितना एप्रिसिएशन होगा। टाइटल टू प्रॉपर्टी चेक न करना। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मसलन उसका मालिकाना हक किसके पास है, यानी टाइटल किसके पास है। सरकारी इजाजत का पता न करना। अगर आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो ये देख लीजिए कि बिल्डर को कंस्ट्रक्शन शुरू करने की इजाजत मिली है या नहीं। प्लॉट या फ्लैट को खरीदते वक्त ये सुनिश्चित कर लें कि वह संबंधित अथॉरिटी से अप्रूव्ड है भी या नहीं। बेचने वाले से अलॉटमेंट लेटर की कॉपी लेकर उसका संबंधित अथॉरिटी के हाउसिंग डिपार्टमेंट से अटेस्ट जरूर करा लें। बेचने वाले की जानकारी, जिनसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वे कैसे लोग हैं ये जानना भी जरूरी है। नामी गिरामी बिल्डरों से फ्लैट खरीदना ज्यादा मुनासिब रहता है। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट पर भी नजर डालें। सैंपल फ्लैट का इंप्रेशन, ज्यादातर बिल्डर सैंपल फ्लैट खरीदारों को दिखाते हैं। ये खासतौर से बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। सैंपल फ्लैट में कई बिल्डर तय से ज्यादा जगह दिखाते हैं ताकि मकान बड़ा बड़ा सा दिखे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। चार्ज का फेर, बिल्डर मकान की कीमत वसूलते वक्त कई तरह के चार्ज लगाते हैं, मसलन कार पार्किंग। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी बिल्डर पार्किंग के पैसे चार्ज नहीं कर सकता, जबकि ज्यादातर बिल्डर 1 से 3 लाख रुपए तक इसके लिए चार्ज करते हैं। नियम कानून को ना जानना। अगर कोई नकली दस्तावेज बनाकर प्रॉपर्टी बेचता है तो उस पर IPC की धारा 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। 467 में अधिकतम सजा उम्र कैद, 468 और 471 में 7 साल तक की अधिकतम सजा, और अगर कोई नकली दस्तावेजों के आधार पर सौदा करके पैसा ले भी लेता है तो उस पर धारा 420 लगाई जा सकती है जिसमें अधिकतम कैद 7 साल की है। अगली बार प्रॉपर्टी देखने जाएं तो खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखते हुए कोई गलती ना करें। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी। शरद जी, प्रॉपर्टी टिप्स में आज हमने बताया कि किस तरह से जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो क्या क्या गलतियां कर बैठते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग सड़कों पर लगे होते हैं, रंग बिरंगे ब्रोचर होते हैं, एक मन को लुभावने वाला सैंपल हाउस, ये बायर को कंफ्यूज कर देता है। जी जी, बायर को किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी फ्लैट को खरीदने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2-3 प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को मिले, कंसर्न अथॉरिटीज को मिले, उनकी अप्रूवल को चेक करे, फिर उसके लीगल स्टेटस को चेक करे। जब इसके बिना जल्दबाजी में पैसा लगा देना एक समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको पैसे की सुरक्षा चाहिए आपको समय भी लगाना पड़ेगा। आज के इन्वेस्टर को क्या है, पैसा उसके पास है लेकिन उसको समय नहीं है, अनजान आदमियों के भरोसे वो पैसा लगा देता है। जब तक वो बिल्डर की एक रेपुटेशन को नहीं जानेगा, उसके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स को नहीं देखेगा, क्वालिटी नहीं इवेल्युएट करेगा,
और जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उनसे जानकारी नहीं लेगा, उसका पैसा हमेशा रिस्क पे रहेगा। ऐसे ही इसमें हमें बच के रहना है और इन चीज़ों से हट के रहना है। हम अथॉरिटीज़ हमारी बड़ी मेहरबान है, आप RTI लगाएं आपको सब कुछ मिल जाता है। आप एक लीगल ओपिनियन लेने के लिए जाएंगे आपको हर तहसीलदार के यहाँ और हर जो सब रजिस्ट्रार के हैं आपको उसकी लीगल क्लियरेंस मिल जाती है कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो नहीं है, इसका मालिकाना हक इसका है नहीं। जब जी सब चीज़ें मिलने को तैयार हैं तो हम अपना समय क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। मेरी हर इस माध्यम से समाचार प्लस के माध्यम से हर दर्शकों को इन्वेस्टर को मैं जो बताना चाहूँगा, आप पैसे की इतनी रिस्पेक्ट करें और देख के पैसा लगाएं, अपने समय को नहीं अगर लगाएंगे तो पैसा आपका हमेशा खतरे में रहेगा। सौरभ, आप नोएडा के आउटर एरियाज में निकल जाइए, गाज़ियाबाद में निकल जाइए, कई छोटे छोटे कैंप्स बने रहते हैं जो हाथ में एक ब्राउचर लेके खड़े होते हैं, आइए फ्लैट खरीदिए, बहुत सुविधाएं मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, लेकिन आंखों का धोखा होता है और जब हम झांसे में आ जाते हैं फिर लगता है पैसा फंस गया। दिव्यांश, अगर थोड़ी सी लापरवाही ना बरती जाए तो आप इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। होता है क्या है, लोग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हो गए, बिल्डर्स के लड़के हो गए, ब्रोकर्स के एग्जीक्यूटिव्स हो गए, इनकी बातों में आ जाते हैं, वो एक हाइप क्रिएट करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करा जाता है कि सर आज 2000 रुपये का रेट है या मान लीजिए 3000 रुपये का रेट है, सर हमारी कंपनी रेट बनाने वाली है, 3000 का रेट करने वाली है, 3500 रुपये रेट बढ़ रहे हैं, 500 रुपये रेट बढ़ जाएगा, तो उस लालच में एक बायर कस्टमर आ जाता है। तो इन लालच से बचना चाहिए, वो पूरी इंक्वायरी करे, जैसा कि शरद जी ने बताया, सारी अथॉरिटीज़ में जाएं, उनके लीगली डॉक्यूमेंट चेक करवाए जाएँ, अथॉरिटीज़ में RTI डाले जाएँ, क्योंकि आज की डेट में मैं NCR में भी आपको बता दूँ ऐसे कई बिल्डर हैं जिनके पास प्रोजेक्ट की लैंड अलॉटमेंट लेटर तक नहीं है, लेकिन वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, होर्डिंग्स के थ्रू ब्रांडिंग कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट बिक भी जाता है। जी, चाहे ब्रोकर्स हो चाहे उनके एग्जीक्यूटिव्स हो, पूरा प्रोजेक्ट बेच भी देंगे, चाहे वो पोर्टल्स के थ्रू बेचे, एक हाइप क्रिएट करे जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचें, पूरा रेपुटेटेड बिल्डर के पास जाएँ, चाहे कोई भी बिल्डर हो, रेपुटेटेड भी है इवन, तो उसकी आप इंक्वायरी करें, जाके सारी चीज़ें उसकी चेक करें कि उसके अप्रूवल्स हैं, क्या बैंक लोन कर रहा है। अगर आप सॉफ्ट लॉन्च में भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको 200-300 रुपये बेनिफिट मिल रहा है, तब भी आप जाके उनका अलॉटमेंट लेटर आप चेक करिए अथॉरिटीज़ में कि बिल्डर्स के पास अलॉटमेंट लेटर है क्या, जमीन जिस जगह पे दिखा के वो आपको प्रोजेक्ट बेच रहे हैं वो उसके नाम पे है या नहीं है। क्योंकि जब तक अगर वो सॉफ्ट लॉन्च पे भी करेगा तो वहाँ पर लैंड पे उसके होर्डिंग्स नहीं लग पाएंगे, लेकिन मार्केट में होर्डिंग्स लगा सकता है, अथॉरिटीज एक्शन नहीं लेगी क्योंकि मिलीभगत होती है। सौरभ, कई बार ध्यान रखें। जी सौरभ, कई बार ऐसा भी हुआ है कि समाचार प्लस के ऑफिस तक भी कई ऐसे बायर्स अपनी शिकायत लेकर आए और आपने खुद अथॉरिटी से बात की तो उनका एक रटा रटाया जवाब था, वो बिल्कुल साफ साफ नहीं कह रहे थे, मतलब बिल्कुल साफ है कि खुद बायर्स को मार्केट पूरी तरह से स्टडी करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बायर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मार्केट में, क्योंकि अगर बायर्स ही उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, उनके फ्लैट्स नहीं खरीदेगा, तो बिल्डर कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जितनी जल्दी ये दिखाएंगे उतना फायदा उसे पहुंचेगा और वो फायदा उठाएगा उस चीज का। जी, आप रिसर्च करिए, तब जाके आपको उन चीजों के फायदे ही मिलेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी तरह आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कराएगी। जी चलिए शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को बायर्स को इतनी अहम जानकारियां दी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ सानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।